और दिमाग इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल दुनिया में सबसे समझदार कौन लोग हैं? बोला सर मारवाड़ी है सर। बोला मारवाड़ी? बोले हाँ सर बहुत समझदार। बोले बीरबल साबित करना पड़ेगा। बोले सर साबित करेंगे। और बोले ये मौलाना साहब जो हमारे यहाँ बैठे। अकबर ने कहा सोच लो तुम मौलाना का मजाक उड़ा रहे हो, फांसी चढ़ाएंगे तुमको। हाँ बोले सरकार मंजूर है। तो बीरबल ने अकबर की तरफ से मौलाना साहब को पैगाम भेजा, मैसेज कि शहंशाह सलामत आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा मजाक करो भैया, हमारी दाढ़ी खरीद के क्या? बोले खरीदना चाहते हैं बस, और बेचना पड़ेगा, शहंशाह का हुक्म है। कितना पैसा लोगे? मौलाना का दाढ़ी का क्या पैसा? हाँ बोले तब भी कुछ ले लो। बोले 5 रुपये दे दो। मौलाना ने दाढ़ी 5 रुपये में बेच दी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा मौलाना के घर पे। बोला ये दाढ़ी शेव करनी है। मेरी? बोले तुम्हारी कहाँ है? शहंशाह खरीद चुके हैं, तो शहंशाह की। मौलाना साहब दरबार आना बंद कर दिए। बीरबल ने अकबर से कहा कि देखा जा जहां बना सब पढ़ाई लिखाई बेकार। एक मारवाड़ी को बुलाया गया दरबार में। बोले भैया? उसने कहा हाँ। बोले शहंशाह आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। थोड़ा सबका हिला अंदर से। कहा मेरी? बोले हाँ। बोले ये शहंशाह? अरे बोले हाँ यार शहंशाह अकबर तुम्हारी दाढ़ी खरीदेंगे। कितने की है? उसने कहा 10 लाख सोने के सिक्कों की। अकबर की तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 10 लाख सोने के सिक्कों की दाढ़ी है? बोले सर जहां बना बहुत कीमती दाढ़ी है, जब से पैदा हुई ये दाढ़ी और मूंछ तब से समाज ने इसका ताना दे देकर इतना काम कराया है, तेरे शादी कर लो मूंछ नीची हुई जा रही है। बोले साहब शादी कर लिए? बोले बच्चे पैदा नहीं पैदा हो रहे? बोले बच्चे पैदा कर लिए, परिवार कर लिया, समाज कर लिया, इस दाढ़ी मूंछ पे करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका। जहां पर मैं तो डिस्काउंट में आपसे 10 लाख सोने के सिक्के मांग रहा हूं। अकबर ने कहा दे दो भाई 10 लाख सोने का सिक्का। चला गया मारवाड़ी। एक हफ्ते बाद शाही नहीं पहुंचा उसके घर। कहा वो दाढ़ी बनानी है। एक चाटा मारा नाई को। नाई ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, शहंशाह ने भेजा है। हाँ ये बोला ये दाढ़ी भी उसी शहंशाह की है, तुम्हारी हिम्मत तुम शहंशाह की दाढ़ी पे हाथ लगाओगे? मारवाड़ी को पकड़ के दरबार में लाया गया कि तुम शहंशाह का आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। उसने कहा नहीं भाई बाप, ये दाढ़ी आपकी है, आप इसके मालिक हैं भाई बाप, ये आपकी दाढ़ी काटने जा रहा है। कितनी साम्राज्य और शहंशाह की बेइज्जती। मैंने कहा हाँ बेइज्जती तो है,